अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको गाठरियों में लेंटर की छजली किस तरीके से बनाई जाती है और सरिया किस तरीके से बांधा जाता है और फिटिंग विटिंग सब अच्छे तरीके से जो काम किया जाता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि गाठरी की जो है छत है और उसमें हमने लेंटर की जो है छजली बनाई है डिज़ाइनिंग के साथ। तो वीडियो को पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ, एंड तक ज़रूर देखना और बाद में मैं आपको छजली खोल के भी दिखाना चाहता हूँ कि उसमें शाइनिंग और कितने अच्छे तरीके से जो है वो निकली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी भी गाठरी के नीचे जो है लेंटर की छजली देखी हो? मैं यूँ नहीं कह सकता, पर हमने लेंटर की इसे गाठरी के नीचे छजली के लिए ये रोबे खुलवाए हैं साल हर गाठरी में, और अब हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसकी सेटिंग होगी। इसमें हम जो है माल भर के से तले गाठरी की वो सिल्ली की जगह जो है लेंटर की छजली बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अब हम इसकी जो है सेटिंग कर रहे हैं, चलो सेटिंग करके दिखाते हैं। दोस्तों, ये हम बीम के ऊपर ले साइड से है जो अपनी ईंट धर के ढोला बना रहे हैं, सेटिंग जो है हम कर रहे हैं ताकि हमारे जो है ढोले में मजबूत आए और अच्छे से झोल ना रहे, ठीक ठाक हिसाब से जो है पैड बन जाए हमारी। वीडियो को देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है, वीडियो बहुत नॉलेजफुल बनाई गई है। दोस्तों, ये हमारी सेटरिंग हो चुकी है कुछ इस तरीके से। हमने जो है अपने फट्टे और ये बोर्ड जो है फिट कर दिए हैं और अब हम इसमें रोक लगाकर डिजाइनिंग की तैयारी करने वाले हैं। वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो बनाई गई है। अगर ये जो आप देख रहे हो, ये हमने गाठरी में ही साल खुलवा लिए हैं वेल्डिंग से। दोस्तों, गाटर के अगली साइड में हमने 7 इंची की जगह लेके जो है हम ये ईंट की रोक लगा रहे हैं ताकि हमारा डिजाइन जो बने उसमें हमें दिक्कत ना बने और अच्छे से हमारा डिजाइन जो है कंप्लीट तरीके से बाद में चमके। चलिए डिजाइनिंग बनाना शुरू कर दे। सिर हटाओ, चल सिर। दोस्तों, इसमें काला तेल बिल्कुल नहीं लगाना है, खल और सरफ लगाना है घोल के, बाकी बहुत अच्छे ये खल और सरफ है, छजली निकलेगी बहुत ही खूबसूरत निकलेगी, ना ही डबल डबल चिपकेगा, चौखा सा देखते रहिए। इसीलिए मैं बोल के ये वीडियो बनाता हूँ ताकि किसी भी चीज की कोई रुकावट और अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाए। दोस्तों, ये सुराखों में को हम सरिये जो है खींच रहे हैं अपने, इसके बाद जो है हमें नेड़ा सरिया मोड़ के इसमें लगाना है। तो चलिए दोस्तों, देखते रहिए कि हमने सरिये जो है इसमें खींच लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये हम सरिया इसलिए मोड़ रहे हैं ताकि हमारा जो डिजाइन बनेगा उस डिजाइन की कन्नी तक पहुँच जाए और हमारा डिजाइन कमजोर ना रहे और ना ही नीचे टपक सके। तो चलिए देखते रहिए, अब हम इसका जाल बांधना शुरू कर चुके हैं। आप वीडियो को पूरी जाल था तो जाल सही हो जा। दोस्तों, वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो जाए इसीलिए ढलाई हमने इसमें कर दी है। आप अब जा इंतज़ार रखिए, ढलाई होने के बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से छजली शाइनिंग के साथ निकली है।
दोस्तों ढोला खोलने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी छजली जो है निकली है शाइनिंग के साथ। आपका दिल से शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं फिर। Yeah.